हेलो हेलो, हाँ जी आजीत जी, सलाम वालेकुम। सर सलाम वालेकुम। सर सर कैसे हैं आप? मैं मैं शुक्र अल्लाह का मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हो? सर बस शुक्र उस वाहिगुरु का, सच्चे पातशाह का, उस माता रानी का और उस अल्लाह का। सर बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप हो ना साथ सर तो सब सही लग रहा है सर। और काम काज का क्या हुआ? काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ? जी सर, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 8 महीनों से स्टूडियो बंद था और ट्रैवलिंग भी बंद थी, कहीं आना जाना ना हुआ, तो बस घर पे ही था सर। काम कुछ इतना खास हुआ नहीं कि जो मैं आपके साथ शेयर करूं। आप टेंशन नहीं लो, अल्लाह अल्लाह सब देख रहा है, सब ठीक करेगा। सोच अच्छी रखो, विजन बड़ा रखो, अल्लाह ताला आपको हमेशा बरकत ही देगा। जी सर बस यही एक जैसे कि यही तमन्ना कि अल्लाह ताला सब ठीक करे और अच्छे दिन फिर वापस आए। और परिवार में कैसे? सब सब ठीक ठाक? सर आपकी ब्लेसिंग से सारे ठीक है सर, सब मस्त हैं सर। और बच्चियां कैसी हैं? सर बच्चियां भी ठीक है सर। और आपके अब्बू और अम्मी? सर शुक्र अल्लाह का, बस मेडिसिन चल रही है बट ठीक है सर। हाँ, मैं बड़ी जल्दी आ रहा हूँ, तो डेफिनेटली अल्लाह ने चाहा तो मैं तुमसे पक्का मिलूंगा। जी सर, मेरा भी बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने का सर। अक्सर हमेशा आपसे फ़ोन पे ही बात हुई है तो दिल से बोल रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है सर जब आपसे बात करता हूँ। यार हम कौन होते हैं किसी को कुछ देने वाले या बोलने वाले? ये तो बस अल्लाह का हुक्म है, ये सब किस्मत की बात है कि कौन आदमी कहाँ किसको कहाँ मिलता है। जी सर आपने सही कहा सर। सर इंसान जब मिलता है ये उसके पिछले जो जन्मों की जो उसके कर्म हैं उसी के मुताबिक वो अच्छे इंसानों से मिलता है। बाकी सब ठीक है ना? चलो टेंशन नहीं लो, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जी सर थैंक यू वेरी मच सर, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात कर कर। दोस्तों इसी तरह जिंदगी में हर मोड़ पे हम कभी ना कभी किसी ऐसे इंसान से मिल जाते हैं जिसे हम जानते भी नहीं कि वो कौन है, किस मजहब से ताल्लुकात रखता है। वो हिंदू है, वो सिख है, वो मुस्लिम है या ईसाई है, पर सबसे बड़ी बात होती है दिल की कनेक्टिविटी, जो हम एक दूसरे को सुनते हैं समझते हैं। दोस्तों मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं विशाल जी, उनकी बेटी मेरे पास डांस सीखने आती थी और जस्ट उनके ही थ्रू मेरी एक इस लॉकडाउन के थ्रू मेरा एक शो था ऑनलाइन, तो उस पे मेरी मुलाकात एक बड़े ही अच्छे इंसान से हुई, डॉक्टर नवाब जी। मुझे लगता है सारी दुनिया उन्हें जानती है। तो विशाल जी ने जस्ट मेरे लिए उनसे रिक्वेस्ट की कि अजीत जी का शो है तो आप ऑनलाइन आ भी रहिएगा और बच्चों को और सबको अप्रिशिएट कीजिएगा। और यकीनन नवाब जी ने अपना कीमती टाइम निकाला, मुझे मेरी एक बार बात हुई उनसे, अच्छा लगा उनसे बात करके, और उन्होंने यकीन मानो पूरा 2.5 घंटे का शो पूरा मेरा अटेंड किया, बच्चों को अप्रिशिएट किया और एक अच्छी वीडियो भी बनाई जो मैंने फेसबुक में और अपने व्हाट्सएप पे सब लोगों को भेजी। तो उस शो के बाद फिर हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो गई, तो अक्सर हमारी लेट नाइट कोई 9 साढ़े 9 बजे बात होती थी, तो वो बातें करते करते कब दिल के दरवाज़ों पे दस्तक होनी शुरू हो गई कि हम एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के जज्बातों को समझने लगे। अच्छा लगने लगा उनसे बात करना, उनसे मिलना। तो फिर अचानक मैंने नवाब साहब को कहा कि डॉक्टर साहब आप कब आ रहे हो जम्मू में? तो नवाब साहब ने कहा कि अजीत जी अल्लाह ने जब चाहा, जब उसने हुक्म किया तो डेफिनेटली हम पक्का मिलेंगे। तो बस इसी तरह वक्त निकल रहा था। फिर जब भी नवाब साहब अपने फोटोज़ अपने फेसबुक पे अपलोड करते तो मैं हमेशा उन्हें लाइक करता, उन पे कमेंट करता, और जब भी मैं कभी अपनी रिकॉर्डिंग्स भेजता तो नवाब साहब उन्हें अप्रिशिएट करते। और नवाब साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने मुझे कहा कि अजीत तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो,
बहुत ही नेक दिल वाले इंसान हो और तुम जो कर रहे हो करते जाओ, देखना एक दिन ये वक्त तुम्हारा होगा। वक्त तुम्हारा आज भी है, पर तुम्हारी ये कोशिश, तुम्हारी ये मेहनत एक दिन बहुत रंग लाएगी। और जब भी मैं नवाब साहब से बातें करता था तो यकीनन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुझे मिलती थी। मतलब ऐसा लगता था कि बस ये बातें ख़त्म ना हो, ये रात कभी ना जाए, क्योंकि दिन भर हम सब लोग बिजी रहते थे, इतना टाइम नहीं होता था बात करने का, लेकिन रात को मैक्सिमम बात करते थे। करते करते एक महीना, दो महीने, तीन महीने, ऐसे चार पाँच महीने गुजर गए। और चार दिन पहले मुझे कॉल आता है, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? अजीत, नवाब हियर। ओ सर, सलाम वालेकुम। सर सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? ठीक ठाक? हाँ मैं ठीक हूँ। तो हम मिलते हैं, मैं बड़ी जल्दी जम्मू आ रहा हूँ। अरे सर आप क्या कह रहे हैं सर, आपके मुंह में घी छक्कर सर, मज़ा आ गया सर ये सुन के। आप जम्मू आ रहे हैं सर? हाँ मैं आ रहा हूँ जम्मू, और डेफिनेटली मैं तुमसे पक्का मिलूँगा। तो इतना सुनने के बाद मन इतना खुश हुआ, इतना अच्छा लगा कि डॉक्टर नवाब साहब जम्मू आ रहे हैं। दोस्तों मैं मतलब अपनी लाइफ में काफ़ी घुमा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बड़े बड़े अफसर के साथ मेरा उठना बैठना रहा है, बट नवाब साहब वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन लोगों में से एक हैं। तो आज इत्तफाक से तो नहीं मैं कहूँगा, किस्मत से या उस अल्लाह के हुक्म से, उस वाहिगुरु के हुक्म से आज मेरी बहुत ही खूबसूरत मीटिंग हुई। विशाल जी का मुझे कॉल आया और विशाल जी ने मुझे बोला कि अजीत जी कहाँ हो आप? तो मैंने कहा कि आई एम नॉट वेल, सम कुछ कोल्ड प्रॉब्लम है। तो बोला आओ आपको किसी एक सर्जन से मिलाते। तो मुझे थोड़ा डाउट हो गया कि आज डेफिनेटली कुछ मस्त होने वाला है। तो उससे पहले ही मेरी मुलाकात SSP रंजीत जी, मेरे मित्र हैं, आजकल उनकी पोस्टिंग कठुआ में है, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो बड़ा अच्छा लगा, उनके साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया मैंने। तो उसके बाद फिर जैसे ही मैं फटाफट स्कूटी लेके बाहर निकला और थोड़ा वेट किया, देखा कि मेरे सामने नवाब साहब। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि ये वही नवाब साहब हैं जिनसे मैंने कभी फ़ोन पे बातें की, जिन्होंने कभी मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी एप्रिसिएशन दी। यकीन मानो कुछ पल के लिए ऐसे लगा कि जैसे भगवान मेरे सामने खड़ा है। बहुत ही अच्छा लगा। और आप सबको पता है कि जस्ट एक मेरी आदत है, जाते जाते ही वो शेर झाड़ने वाली बात, एक शेर झाड़ दिया ना, मैं शायर हूँ और ना ही ये मेरी शायरी है, जो बात लबों से निकल जाए वो बात ही गहरी है, शब्दों के जोड़ से बात बन जाती है, मोहब्बत के मारों को शायरी आ जाती है, शायरी आ जाती है। और नवाब साहब बहुत खुश हुए और हम मिले। और फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी ढेर सारी खूब बातें हुई, कोई दो ढाई घंटे स्पेंड किए। फिर हम विशाल जी के घर गए और आज भाभी जी आराध्या, स्पेशली हमारी छोटी गुड़िया, हमेशा मुझे कहती सर घर आओ घर आओ घर आओ घर आओ। तो आज मतलब लगा कि आज घर जाना चाहिए आज। तो नवाब साहब भी थे, दस्तूर भी था, मौका भी था और समय भी था। तो भाभी ने बड़ी खूबसूरत चाय पिलाई, विशाल जी से मिले, बहुत ही अच्छे इंसान हैं विशाल जी। विशाल जी मैं वाहिगुरु से दुआ करूँगा कि जिस मकसद स्प्रिट के साथ आप काम कर रहे हो, और बहुत जल्दी आप भी एक बहुत बड़े नेता बने। फिर खूब सारी बातें हुई। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सोच, लगन, नियत और ऊपर वाले का कर्म सही हो तो दूर दूर बैठे लोग भी कभी आपके सामने अचानक आ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद चल के आपके पास आ गए। दोस्तों इसी तरह आपके साथ अच्छी बातें करता रहूँगा, आपको अच्छे मैसेज देता रहूँगा। आज कुछ बात करने का लिहाज अलग था। नवाब साहब एक बार फिर मेरी तरफ से मेरे मन की आवाज़ 0.00 शेयर एंड शो योर केयर की तरफ से आपका जम्मू में वेलकम है और मिलता रहूँगा आपसे। और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी ब्लेसिंग, आपकी सपोर्ट, आपका प्यार इसी तरह बने रहे और डेफिनेटली इन फ्यूचर
कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया हमें याद रखे। थैंक यू वेरी मच। शब्बा खैर, गुड नाइट, लव यू मेरे प्यारे प्यारे फेसबुक के, व्हाट्सएप के और इंस्टाग्राम के दोस्तों। मैं आपका अपना होस्ट, बोले तो मास्टर एक्स।